कभी में बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग मिसेज नोहारा। शिनचैन कहाँ है बताओगी? माफ कीजिएगा, उसे आज भी थोड़ा लेट हो गया है। वो तो हमेशा ही होता है। हैरानी की बात तो जब होगी जब वो स्कूल टाइम पर आ जाएगा। वैसे अगर वो आज स्कूल टाइम पर आ गया तो बारिश हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, हम चलते हैं। गुड बाय मिसेज नोहारा। हर बार की तरह माफ कीजिएगा। मैडम ने भी यही कहा। तुम बाहर कब निकलोगे शिनचैन? तुम्हारी बस चली गई है। अरे आप किससे बात कर रही हैं? हाँ तुम बाथरूम में नहीं थे? आज मेरे पास बहुत वक्त है तो मैंने सोचा शीरो को आराम से खाना दूं और उससे बातें करूं। वाओ शिनचैन तुम कितने स्मार्ट हो। अगर तुम्हारी बात वक्त था तो बस पकड़ सकती थी। न जाने तुम कब सुधरोगे, तुम यही चीज रोज करते हो। मैं रोज एक जैसा काम इसलिए करता हूँ मम, क्योंकि मेरा एक फिक्स टाइम टेबल है। अच्छा तो ये तुम्हारा टाइम टेबल है? अब इस टाइम टेबल को तुम्हें बदलना ही होगा, समझे? मैं तैयार हूँ। कुछ भूले तो नहीं ना? देखता हूँ, मेरे पास हैंडकरचीफ है, टिश्यू पेपर है और कमर पर लंच भी है। इसका मतलब तुम तैयार हो। ठीक है तो चलते हैं। पैर की तो हवा निकल गई। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे मम, हिमावरी कहाँ पर है? अरे अरे अरे, माफ करना माफ करना माफ करना। अब क्या करना है, साइकिल तो ठीक होने गई है, अब कोई और तरीका नहीं है। जरा रुको टैक्सी। सुनो सुनो सुनो, चलो अब चलते हैं। मुझे चलना पसंद नहीं है। कभी कभी पैदल जाना अच्छा होता है। पर हम टैक्सी में स्कूल तक जल्दी पहुंच जाते ना मॉम। तुम्हारे लिए पैदल चलना ही सही है। अरे आज तो किस्मत ही खराब है। वेदर फोरकास्ट में मैंने देखा था कि आज वर्षा होने वाली है। तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। कभी कभी बारिश में मेरे दिल में ख्याल आता है। अपने ख्याल अपने पास ही रखो, चलते रहो। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। वेदर फोरकास्ट में ये भी कहा था कि जिसे बारिश पसंद होती है वो इंसान बहुत ही खुश मिजाज होता है मॉम। हाँ वेदर फोरकास्ट लेडी को कोई चिंता नहीं है ना, तभी वो ऐसा कहती है। रुकिए मॉम। क्या हुआ? मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। क्या क्या तुम कुछ भूल गए? अब जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। जो बताना है जल्दी बताओ मुझे। पक्का बता दूँ? नाटक बंद करो और बताओ। ठीक है बता देता हूँ। जो धुले हुए कपड़े आपने बाहर सुखाने के लिए रखे थे अभी भी बाहर है। क्या? नहीं। मॉम स्कूल के लिए बहुत देर हो जाएगी। बस 5 मिनट, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे क्या आज भी शिनचैन की बस छूट गई है? वैसे कामकाज की वजह से थोड़ी देर हो जाती है, पर मेरी लाइफ काफी अच्छी है। क्या कहा? आपकी लाइफ कच्ची है। कच्ची नहीं, मैंने कहा मेरी लाइफ अच्छी है। मेरे रेनकोट पर कीचड़ लग गई। कोई बात नहीं, कीचड़ लगने से रेनकोट की शोभा बढ़ती है। मेरे इस येलो रेनकोट पर ये ब्राउन कीचड़ बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। बकवास बंद करो। पर मेरी पर्सनालिटी का क्या होगा मॉम? तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारे रेनकोट पर कीचड़ लगने का कोई संबंध नहीं। मेरे रेनकोट पर कीचड़ उछाला, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे कीचड़ लगना तो रेनकोट को शोभा देता था ना। आज का दिन तो बिल्कुल खराब है। अरे मॉम बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अच्छी बारिश में सारे गंदे कपड़े साफ हो जाएंगे। वो तो ठीक है पर अब मैं थक गई हूँ। अरे सुनो शिनचैन, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद है। देखो मेरे सारे बाल खराब हो गए। हाँ बारिश के मौसम में बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। मेरी माँ मुझे मिल नहीं रही, प्लीज मेरी मदद कीजिए दीदी। शिनचैन तुम अपनी हरकतों से कब आ जाओगे? हमारे पास कहीं रुकने का वक्त नहीं है। हाँ ये तो नो एंट्री है, अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता था यहाँ नदी भी है। एक्सक्यूज मी, हमें वहाँ उस तरफ जाना है। ये रास्ता पानी की वजह से हमने बंद कर दिया है, आप लोग इस रास्ते से चले जाइए।
आज का दिन तो बिल्कुल ही खराब है। वॉकिंग करना तो सेहत के लिए अच्छा है। हाँ ये बात तो मुझे भी पता है। अरे माँ बारिश रुक गई है। क्या चलो अच्छा हुआ। अब तुम्हें क्या हुआ है मावरी? बारिश के दिन में रेनबो का दिखना कितना अच्छा होता है। इस रेनबो को देखकर मेरी दिल को हार्दिक खुशी हुई है माँ। आखिर हम पहुँच ही गए। कैसी हैं आप? बारिश की वजह से हमें बहुत तकलीफ हुई। माफ कीजिए मैम, लेट हो गई हैं। हमें माफ कर दीजिए। मुझे माफ कीजिए, बस कुछ देर पहले ही सब वापस चले गए। क्या आज स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई? हमने सब बच्चों को नोटिस भी दिया था, क्या आपने वो पढ़ा नहीं? नोटिस? शिनचान मुझे थोड़ी भूख लग गई है, तुम्हें लंच करके आया। बाय मॉम, बाद में मिलते हैं। यहाँ आने के लिए शुक्रिया।